तो भाई ये देख लो, आपने उड़द की दाल बहुत खाई होगी, उड़द दाल के पकोड़े बहुत खाए होंगे। ये है उड़द दाल की चंदिया, आगरा की स्पेशल डिश है ये। तो ये बनती कैसे है, ये सारी चीजें आगे देखेंगे। देखने में काफी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत बढ़िया होती है, इसका पानी भी बहुत बढ़िया होता है सेहत के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ये देख लो, आज यहाँ पे कुछ नया बनाने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका? इसका उड़द की दाल की चंदिया बोलते हैं इसे। अच्छा, उड़द की दाल की चंदिया बोलते हैं। और कहाँ से, मतलब कहाँ का है ये? ये आगरा की डिश है। ठीक है, तो ये बताओ कि दाल कितना होगी ये? ये दाल 300 ग्राम थी। 300 ग्राम दाल है। और कितनी देर तक भिगोना है इसको? ये समथिंग 5 से 6 घंटे भिगोनी होती है। 5-6 घंटे भिगोनी है। देख लो, धुली उड़द की दाल है ये, सफेद वाली। धुलके से आराम से भिगो दूं? अच्छा, इसको धुलना है पहले आपने, फिर 5 से 6 घंटे तक आपको इसको भिगा कर रखना है। और उसके बाद इसको मिक्सर में ऐसे पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसको पीसते हैं, फिर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगा, कितना मोटा या पतला इसको रखना है। तो ये देख लो, यहाँ पे उड़द की दाल पीस के रेडी हो चुकी है। और मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड, ये देख लो। और पीसते हुए ना इसमें पानी नहीं डालना है, इतनी थिकनेस आपको रखनी है, ऐसे गाढ़ी सी रखनी है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसी गाढ़ी रखनी है बिल्कुल, आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है पीसते हुए। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये जो हम बना रहे हैं उड़द दाल की चंदिया, इसके लिए पानी हमें गर्म करना है। ये देख लो, यहाँ पे पानी डाल दिया है, 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी है ये। और इसमें अब हम डालेंगे हींग। ये देख लो हींग कितनी है, एक सेकेंड, ये देख लो, ये जो इसकी कैप होती है ना, इतनी सी ये हींग है। ये MDH को, MDH की जो हींग होती है ना, इसकी कैप बराबर आपको हींग डालनी है। और इसकी हींग भी बहुत अच्छी होती है, MDH की हींग हो गई, मसाले हो गए। और ये नमक डाल रहे हैं अब यहाँ पर, एक चम्मच नमक। ये एक चम्मच नमक है, घर का जो नॉर्मल चम्मच होता है ना, उसका एक चम्मच नमक डाल दिया। और कुछ डालना है इसमें अभी? हाँ, थोड़ा सा काला नमक डालना है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक, ये 1/2 चम्मच। ठीक है, ये आप देख लो। अब इसको गरम कितना करना है, मतलब बॉईल करना है या कैसे? बॉईल करना है। ठीक है, तो इसको अब आपको बॉईल करने तक पकाना है। इसको होने देते हैं बॉईल, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। इसमें नमक डालेंगे। तो ये देख लो, यहाँ पे जो हमारी उड़द की दाल थी ना, उसको हमने पीस के यहाँ पे रखा हुआ है, जो आपको दिखाया था, उसमें नमक डाल दिया। नमक कितना डाला होगा आपने? स्वाद के अनुसार डाल दिया, मतलब 1/2 चम्मच से भी कम। 1/2 चम्मच से भी कम ये वो डाला, नमक डाला है। और ये यहाँ पे डाल रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च डाली है, 10-12 काली मिर्च थी जो कूट के रखी थी। अच्छा, 10-12 काली मिर्च है जो आपको कूट के रखनी है। और फिर ये बस मिक्स करना है, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। तो चलिए मिक्स करने देते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो ये देख लो, जो हम उड़द दाल की वो चंदिया बना रहे हैं ना, उसका पानी आपको तब तक उबालना है जब तक जो उसमें हींग डाली है ना, वो जब तक गल ना जाए, बिल्कुल ही एकदम पानी में घुल ना जाए, तब तक आपको ये उबालते रहना है। इसको लगभग 20 मिनट आपका लग ही जाएगा इसमें। तो ये देख लो, जो उड़द दाल की चंदिया थी ना, उसको बनाने के लिए पहले आपने ये पन्नी ले लेनी है। बटर पेपर मत लेना, बटर पेपर के लिए मना कर रहे थे, ऐसे पन्नी होनी चाहिए। उसमें नीचे आपको ऑयल लगा लेना है, और फिर ऐसे ये गोली बनानी है उसकी, दाल की। ऐसे रखना है, बेलना नहीं है आपको, अभी आप देखते जाओ आगे। पन्नी से फोल्ड कर लेते हैं। ये पन्नी से इन्होंने फोल्ड कर दिया, और ऊपर ऐसे कटोरी रख के उसे दबा दिया, प्रेस कर दिया, ताकि उसको शेप मिल जाए। उसके बाद उठा के यहाँ तेल में डाल देना है, ये वहां से उठाना है उसको। और तेल में आपको बता दूं, नॉर्मल रखना है आपको, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, नॉर्मल रखना है। आंच भी आपको नॉर्मल रखनी है। और ये लगभग कितने टाइम में बन जाएगा ये? एक मिनट, मतलब 1 से 1.5 मिनट में? ठीक है, तो आपका लगभग 2 मिनट में ये बन जाएगा। 1 मिनट आपको एक साइड से पकाना है, 1 मिनट एक साइड से पकाना है। ठीक है, ये देख लो। और इसका कलर आप ये मत सोचना जैसे डार्क कलर होता है ना ब्राउन, वैसा नहीं, हल्का सा बिल्कुल एकदम गोल्डन जैसा कलर होता है ना, वैसे ही आ जाएगा। वैसे ही इसे पलट देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे, फिर निकाल के वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसे पकने देते हैं पहले एक साइड से, फिर जब पलटेंगे तब दिखाऊंगा। तो ये देख लो, ये एक साइड से पक चुका है, अब इसको पलट दिया, दूसरी साइड से पका रहे हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे ये हो चुकी है। कलर इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, इस तरीके का कलर है इसका, बिल्कुल एकदम लाइट कलर, हल्का सा बिल्कुल वो होता है ना ब्राउन, हल्का बिल्कुल गोल्डन वाला वैसा कलर है। अब देखते हैं अब इसका आगे क्या करना है। तो ये देख लो,
जो पानी बनाया था ना हींग वगैरह का, नमक वगैरह जिसमें डाला था वो पानी है ये। इसमें इसको ऐसे डाल देना है, ये देखो इसको इसमें ऐसे डाल दिया। तो अब इसको इसमें कितनी देर तक रखना है? इसमें ये डली रहने देना, जब अपने खाते तो अपने निकाल के खा सकते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इसमें डली रहने देना, कम से कम 15 मिनट इसको डले रहने देना, क्योंकि जो पानी का फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए। तो दिल्ली के साथ ही खाई जाती है। हाँ, तो कह रहे हैं पानी के साथ ही खाई जाती है। जैसे दिल्ली में आपने कांजी वड़ा टाइप का खाया होगा, वो जो मटके से निकाल के देते हैं कांजी वड़ा टाइप का, वो उसको निकालते हैं और पानी होता है हींग वगैरह का, वैसा पानी ये है और वैसे इसका फ्लेवर आने वाला है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर साकेत के आसपास रहते हो तो इनसे ऑर्डर कर लेना, नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।